हेलो विवान, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम मीना है। आज मैं सुबह 12 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज का मौसम बहुत गंदा है क्योंकि धूप ऐसी है कि ना धूप है ना हवा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनमसान, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज कणक धोई जा रही है, मैं कणक धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी थी इसलिए मुझे बार बार 3-4 पानी में धोनी पड़ रही है। ये मोदी वाली स्कीम की कणक है, फ्री में मिलती है हमें। हवा चल रही है, अभी देखो बारिश पड़ती। गाय को अभी घास नहीं डाला है, ये देख रही है क्योंकि हस्बैंड जी अभी घास लेकर नहीं आए। आज उन्हें और कोई काम थे इसलिए घास नहीं आया। अभी लेकर आएंगे तो इसको डालेंगे। देखिए मैंने कनक धोकर रख दी है, कल सुबह सूखनी है, डालेंगे। देखो इतनी ज़्यादा गंदगी निकली इसमें से, कितनी गंदी कनक थी। अभी सारी रात ऐसे ही रहेगी, ढक देंगे, ढक कर रख देंगे, फिर सुबह इसको सूखने के लिए डाल देंगे। मम्मी कपड़े तय ला रहे हैं, वो सामने। आज तमन्ना भी कर रही है गुड़ाई और उसकी मम्मी भी, दोनों आ जाए। आज बच्चों को छुट्टी है ना, इसलिए तमन्ना और उसकी मम्मी गुड़ाई कर रहे हैं। आज छुट्टी नहीं आ रहे ना, ता ही गुड़ाई लगी भी करना। अच्छा कल मैं ज़्यादा बढ़ाई सी, ज़्यादा नहीं सी। अच्छा, इतनी सारी गुड़ाई कर ली इन्होंने। अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है खेत। आज सूरज कितना मध्यम मध्यम नज़र आ रहा है, बादल है। वैसे बारिश तो पड़ी नहीं है, बादल ही बादल हुए हैं। गिलहरी ये देखिए पेड़ लगाए जा रहे हैं सामने, पहले भी लगाया वो वाले, वो जो जाल जो खड़े हैं वहां पर, कल पिछले साल पेड़ लगाए थे। पंजाब रोडवेज की बस आ गई, एक्सप्रेस है बस। वो सामने दलिया चढ़ाया जा रहा है वो तालाब पर, और ये बस अड्डे पर दलिया बांटा जा रहा है। अब हर एतवार को दलिया चढ़ाया जाएगा, 4 एतवार को। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो वाला, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो दूसरा गांव है, गढ़ी कहते हैं उसको, गढ़ी गांव, पंजाब का गढ़ी। मौसम कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त, बादल ही बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। देखो जहाँ लेंटर पड़ा था अभी भी पानी खड़ा है। अब 15-20 दिन पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा, फिर जाकर इसका लेंटर खोला जाएगा, फिर सूखने देंगे। इस वक्त तो गाड़ियों की कितनी है, गाड़ियाँ ही गाड़ी शाम को नजर आती है। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। खड़ी थी, मैंने सोचा आपको मैं छत से अपने पूरे गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। मुझे देखिए
इस पीपल पर तो लोग बैठे ही रहते हैं, बुजुर्गों को और काम भी क्या होता है, बस सारा दिन ताश खेलना, लोगों की जो नई दुल्हन होती है उनको भी देखते रहते हैं कौन आया कौन गया। कई तो औरतें बहुत शर्माती है, कहती है इधर से नहीं जाना हमें, यहाँ से लोगों को देखते रहते हैं। बूढ़ों को भी कुछ ज़्यादा याद पड़ी होती है देखने की। दलिया चढ़ाकर मंदिर की ओर जा रही हैं, शायद माथा टेकने के लिए। शाम हो गई है ना, फिर पहले दलिया चढ़ाया, अब मंदिर की ओर जा रही है। अब शाम पड़ गई, सभी औरतें मंदिर जाएंगी, फिर सैर करेंगी। कल सोमवार है, कल यहाँ पर कीर्तन भी होगा। शायद मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँगी। औरतों ने दलिया चढ़ा लिया और अब मंदिर की ओर जा रही है। सभी औरतें मंदिर की ओर जा रही है। वो देखो शाम को शायद कीर्तन तो नहीं होगा, शायद हो भी सकता है, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह जाती हूँ, शाम का पता नहीं है। अगर मेरी जेठानी जहाँ होती तो वो बता सकती थी। वो आज माथा टेकने गए हैं, आएंगी तो पूछ कर बताऊँगी आपको। बताना क्या, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि अगर कीर्तन होगा तो मैं भी जाऊँगी ज़रूर। ये देखिए, ये सभी औरतें ये टेम्पू जो पीपल के दूसरी तरफ है, वो आज वहाँ जाकर आया। आज गुरु पुण्या है तो इसलिए वो बाबा डेरे जाकर आया है। गुरु पुण्या, हमारे गांव के लोग इकट्ठा होकर जाते हैं बाबे डेरे। कुछ बाबा बालकनाथ जाते हैं, कुछ बाबा रुद्रानंद जाते हैं। अभी सब उतर कर जा रहे हैं अपने अपने घर को। बच्चे भी खेलने आ गए, इकट्ठे हो गए। यहाँ संघ को भी प्रसाद दिया जाता है। एक उधर से आया गढ़शंकर से, एक गढ़शंकर को जाएगा। दोनों संघ रुक गए। संघ मतलब के जो लोग इकट्ठे होकर जाते हैं उसको संघ कहते हैं। इकट्ठे होकर गए थे, कोई बाबा डेरे गए, कोई जा रहे हैं इकट्ठे होकर, उनको प्रसाद बांटा जा रहा है। अब मैं नीचे आकर अपना काम करने लगी हूँ। थोड़ी देर ऊपर घूमी और आपको भी ऊपर से गांव का दृश्य दिखाया। अब कुछ कपड़े सिल लेती हूँ, क्यों बीच बीच में घर का काम करना पड़ता, बीच बीच में कपड़े सिलने पड़ते हैं, इसलिए मैं कपड़े सिल लूँ। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाजरा, अच्छा ये देखिए, ये बाजरा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इंसान जितना बड़ा बड़ा हो गया है। इधर से काट लिया है और इधर बड़ा बड़ा है। अब इधर से जब काट लेंगे तो इधर फिर से हो जाएगा। शाम के टाइम का मौसम है फार्म का, अंधेरा हो रहा है। अभी सब अपने अपने घर को चले गए हैं। चल चल, मैं तो चले आ मैं सड़क चले लूंगी। आ जा फिर मुड़ के।